दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान पीएम काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से छात्रों का एक जो जत्था है बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा है। छात्रों का भी भव्य स्वागत किया गया है। तो देखिए तमाम तैयारियां चारों तरफ और ये दो प्रदेश जिनकी संस्कृतियां रहन सहन काफी बहुत कुछ कहा जा सकता है असमानताएं हैं। दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों का किस तरीके से मेल मिलाप हो सके उसको लेकर भी पुरजोर कोशिश। तमिल से छात्रों का जो एक जत्था है वो इस वक्त पहुंच चुका है और जहां पर उनका स्वागत भी किया गया। देखिए चारों तरफ तैयारियां की गई हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर जो काशीवासी हैं बेहद उत्साहित हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि तमिलनाडु से जो छात्रों का एक जो जत्था है वो पहुंचा है और काशी के लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। एक तरफ जहाँ इसे चुनाव से दौड़ कर देखा जा रहा है वहाँ तमाम योजनाएँ हैं जिनसे पूर्वांचल का खासा विकास होने जा रहा है। रोहित मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे रोहित का। रोहित वाराणसी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। रोहित और क्या अपडेट है, क्योंकि तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं एक जत्था जो तमिलनाडु से पहुंचा है उनका भी भव्य स्वागत किया गया है। आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, क्या उत्साह दिख रहा है, क्या तस्वीरें हैं रोहित बनारस से? जी स्वागत के मामले में हम कहें तो बनारस के लोगों का पूरी दुनिया में कहीं और शायद किसी पे गाना भी बनाता मेहमान जो हमारा होता है जहाँ से प्यारा होता है हम इस देश के वासी हैं, इस देश का प्रभाव है। तो गंगा के किनारे का ये शहर है बनारस, ये अपनी मिजाज जो है स्वागत करने के लिए चाहे प्रधानमंत्री का स्वागत करना हो या चाहे बनारस आता हो तो देख खास दोस्तों रेलवे स्टेशन में देखने को मिला काफी बड़ी संख्या में करेंगे। उसके जत्थे में जब हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे और शायद काशी और तमिल की जो आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान है उसका पहला चैप्टर तो लिखा ही जा चुका है जिसके लिए स्वागत किया गया है। बड़ा ये बच्चे आ चुके हैं और शाम को अशोक मुथा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वाराणसी से। अशोक मुथा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर थैंक यू। प्रधानमंत्री आज दौरे पर पहुंच रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, तो क्या कुछ तैयारियां हैं क्योंकि एक बड़ी सौगात भी देखने को मिल रही है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी का दो दिवसीय दौरा है, उसकी सारी तैयारियां की जा चुकी है और उसके लिए बाहर से भी अधिकारी आए हुए हैं, जनपद के अधिकारी भी ड्यूटी में है और सभी को ब्रीफ कर दिया गया, रिहर्सल कल कर ली गई है, समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आप लोगों के लिए भी काफी चैलेंज रहता है जब जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और काफी वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आप बता रहे हैं तैयारियां, पूर्वांचल के लिए भी काफी योजनाएं हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए? अशोक मुथा जी प्रधानमंत्री जी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके लिए सभी विभाग अपनी अपनी तरफ से जो अपनी अपनी योजना है उनको पूर्ण कर चुके हैं और उन सबका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं बहुत तेजी के साथ चल रही है और आज इनको अंतिम रूप भी दिया गया है। अशोक मुथा जैन पुलिस कमिश्नर वहां से जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से काफी दिनों से ये तैयारियां चल रही है। रोहित भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। रोहित आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।